नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस। और हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज बात होगी चौथी दस्तक की। और भारत में एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया है। और अगर विशेषज्ञों की माने तो कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले चौथी लहर के संकेत दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे के अंदर लगभग 200 मामले सामने आए हैं। और अगर बात करें जागरूकता की, तो लोगों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो वहीं लोगों की लापरवाही कोरोना की चौथी लहर को बेहद खतरनाक बना सकती है। लोगों की लापरवाही से क्या क्या नुकसान हो सकता है देखेंगे। तो चौथी लहर की दस्तक के बाद भी बेपरवाही लोग बरतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार मामले जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की आहट सुनाई देने लगी है और 3 महत्वपूर्ण जगहों पर कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि तीसरी लहर के बाद लोग बेफिक्र हो गए, बेपरवाह हो गए और उसके बाद कोरोना बढ़ता जा रहा है। चौथी लहर की दस्तक भी अब सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और लगातार के न्यूज़ भी रियलिटी शेयर करने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है। और कई जगहों पर हमने देखा है जहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कोविड से लड़ने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान को भी तेज किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उन है ताकि आसान हम इसी को लेकर मेहमानों का खास से पहले बातें हमारे साथ में
वर्तमान परिप्रेक्ष्य अभी ये चल रहा है, कोविड महामारी का ये खत्म नहीं हुई है, तो इसको सभी को रखना चाहिए। और जो हमारे जो जो वर्किंग प्लेस है और जो संस्थान है जहाँ पर लोग काम करते हैं, स्कूल्स हैं, तो ऐसी जगहों पर लोगों को एक उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई, अभी गई नहीं है। तो हमें जो अपना जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, मास्क का यूज करना और 2 गज की दूरी रखना, ये बराबर उसको अपना करके रखें। और जिसको सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको कहें कि आप जो है अभी आइसोलेट हो जाइए, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आइडियली तो उनको टेस्ट कराना चाहिए। अगर सिम्टोमेटिक है तो जहाँ तक हो सके टेस्ट करा लें, अगर पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट हो जाए, तो ठीक है, ये यानी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अनुराग जी, आपको क्या लगता है जनता को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीरें जो हमने पहले दूसरी और तीसरी लहर में देखी हैं वो एक बार फिर से हम सबके सामने आए। अनुराग जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, आप प्लीज अनम्यूट करें। अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। भरत के पास चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे अनुराग जी के पास। तब तक अनुराग जी आप अनम्यूट करें। भरत, क्योंकि अभी देखा यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर जनता वापस आ जाती है उन्हीं नियमों का पालन करने पर, उसी लाइफ स्टाइल पर, तो कहीं ना कहीं बचाव और बहुत हद तक हम लहर अगर आती भी है तो उसको काबू कर पाएंगे। भरत, क्या लगता है कि अब जब केसेस में बढ़ोतरी हो रही है तो जनता भी समझदार बनेगी और क्या वो नियमों का पालन करना शुरू करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जनता ने जब कोरोना का फर्स्ट वो देखा, जो पहली लहर देखी, उतना उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको देखते हुए दूसरी लहर में लोगों ने प्रिकॉशंस को लेना कम कर दिया। जब प्रिकॉशंस लेना कम कर दिया, प्रोटोकॉल्स का जो फॉलो है उसको कम कर दिया, तब उसके बाद अचानक जो ऑक्सीजन की कमी और कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटीज हम लोगों को देखने को मिली, वो शायद तो भयावह जो दोबारा वक्त नहीं आना चाहिए, भगवान से यही दुआ करेंगे। लेकिन हाँ, वक्त वो तब नहीं आएगा जब आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से कोविड के नियमों का प्रोटोकॉल करेंगे, सेफ्टी बरतनी है। हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वैक्सीन ऑलमोस्ट लोगों को लग चुकी है, बच्चों की वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है, और ज्यादातर आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है, अब बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। मतलब ये है कि बूस्टर डोज आपको हेल्प करेगी, वैक्सीन आपकी हेल्प करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो आप कोविड के नियमों का पालन ना करें। अगर आपको खुद को बचाना है, खुद के परिवार को बचाना है, अन्य लोगों को बचाना है, उसके लिए कोविड के सारे प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो प्रोटोकॉल तमाम तरीके का है, जो सोशल डिस्टेंसिंग साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अब वो इस्तेमाल करना अभी से शुरुआत हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि चौथी लहर जो है वो खतरनाक नहीं होगी। अगर ऐसी लापरवाही अगर आगे रहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय भयावह खतरनाक ही हो सकता है। जी ठीक है, यानी खतरनाक और भयावह वक्त आने वाला हो सकता है। अनुराग जी, आप हेलो। तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आप आवाज आ रही है? आप तक आ जी रही है आवाज जी से? जी आपकी भी आवाज आ रही है। अनुराग जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि जी हम देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी ढीला रवैया अपनाए हुए है, क्योंकि तीसरी लहर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखा, ये अच्छा हुआ। लेकिन अब जब चौथी लहर की भी बातें होने लगी हैं, तो क्योंकि हम पहले और दूसरे प्रकोप से इतना ज्यादा हम सब ने देखा है, इतनी खतरनाक तस्वीरें, तो हमें चाहिए कि हम पहले से ही अलर्ट हो जाएं। जनता को क्या करना चाहिए इस चौथी लहर की दस्तक को देखने के बाद, क्या बदलाव अपने रूटीन में, डेली लाइफ रूटीन में लाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है सेकेंड वेव में जनता ने इतनी त्रासगी देख ली है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर है। और मैंने जो अपनी पर्सनल क्लिनिक पे नोट किया कि पेशेंट को जैसे ही खांसी जुकाम हो रहा है, पेशेंट चाहे वो कुछ भी फोबिया हो, पेशेंट तुरंत आके डॉक्टर को दिखाता है, और एक खांसी जुकाम उसके मन में डर बैठ गया है। अब वो सिम्टम्स थोड़े से वैरी भी कर रहे हैं, वो लूज मोशन, वॉमिटिंग, खुजली होना या कुछ और सिम्टम्स होना, वो भी आ रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है कि आगे जो सिम्टम्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट आएंगे, बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा बना रहेगा, और आई के सिम्टम्स आने की संभावना है अगले वायरस के साथ में। एक दो आई स्पेशलिस्ट से हमारे संपर्क हुआ, तो
तो उनका कहना था कि जो आंख के सिम्टम्स आएंगे वो भी सिम्टम्स हमें वॉच करके आगे अपने सुपर स्पेशलिटी को दिखाना है, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा, एक कुछ डिवाइसेज ऐसे आ गए हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे अगर लगते हैं तो मुझे लगता है उनसे बहुत फायदा होगा। जैसे पर्सनली हम लोगों ने अपनी क्लिनिक में कुछ अल्ट्रावायलेट डिवाइसेस लगा रखे हैं, तो अब उन डिवाइसेस की कंपनीज का क्लेम करना है कि जो डिवाइस अल्ट्रावायलेट रेज है वो आसपास की सराउंडिंग्स के वायरस और बैक्टीरिया को किल करेगा और कोरोना उस एरिया में सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक एज अ मेजर हमने सेफ्टी मेजर अपनी क्लिनिक पे उस डिवाइस को लगाया हुआ है, हालांकि फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी पूरी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। अरविंद जी आप बताइए, क्योंकि पहली दूसरी लहर के बाद बहुत सारे जो डेली लाइफ रूटीन्स पे थे वो लोगों ने चेंजेस लाए। काढ़ा एक ऐसी चीज़ थी जिस पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड हो गए थे, लोगों के मन में ये हो गया था कि काढ़े से बहुत ज़्यादा बचाव जो है वो होता है। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई कि जहाँ पर काढ़े की मात्रा ज़्यादा लोग ले रहे थे, ज़्यादा मात्रा में ले रहे थे, तो जिसके चलते उन्हें चक्कर आने जैसी समस्याएं भी होने लगी थी। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि काढ़ा अगर एक बार फिर से लोग लेना शुरू करें तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो गर्मी का मौसम है ऑलरेडी, तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिन में एक बार कितने बार काढ़ा ले सकते हैं लोग? अरविंद जी आवाज आपकी हम तक नहीं आ रही, आप भी अनम्यूट करें। हाँ, काढ़े का जो रोल है वो एक जस्ट ऐसे इम्यूनिटी एनहांसर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इस मामले में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और जो भी इस तरह के जो भी लेना चाहिए एक एक्सपर्ट के अंडर में ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि रूटीनली आप पीने लगे हो, पी रहे हैं काढ़े, काढ़े पे काढ़ा पिए जा रहे हैं, तो ये किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो नुकसानदायक होती है। ठीक कितना है, लेना है कितना नहीं लेना है ये एक्सपर्ट के अंडर में ही इसको लेना चाहिए। और आप जो नॉर्मल जो हेल्दी खान पान है आपका डाइट में, ये जो है फलों का और प्रोटीन वाली डाइट, फल, ताजे फल, इस तरह की चीजें ले सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहे। और इम्यूनिटी जैसी चीज ये तुरंत बूस्टअप नहीं होती है, ये जो पहले से जिसका रहता है वो पहले से स्ट्रांग रहता है। हाँ, इसको हम अपने लाइफ स्टाइल में ला सकते हैं जिससे कि हमारा आगे इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ठीक है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आप कुछ भी कंज्यूम करना स्टार्ट करें, ऐसा ना हो कि कहीं उसके साइड इफेक्ट आपको होने लगे। ठीक है, इस पर हम विस्तार से आगे भी बातचीत करेंगे कि चौथी दस्तक में फिलहाल जनता को क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं मचाएगा, हमारी ये हेल्थ कॉन्फ्रेंस लगातार जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल, आईसीयू एंड आईसीयू, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7318825750, 7318827050। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के
के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चौथी दस्तक को लेकर। हमारे साथ में वरिष्ठ चिकित्सक और हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। अरविंद जी ने अभी कहा कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप कंज्यूम करें उसका ध्यान रखें, लेकिन अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, अभी तो हमने काढ़ा को लेकर सवाल किया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे गिलोए और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लोगों में ये विश्वास हो गया था कि इनके इस्तेमाल से जो है वो बिल्कुल कोरोना से बच सकते हैं। हालांकि बिल्कुल ठीक कहा अरविंद जी ने कि इम्यूनिटी बढ़ाने के ये सारे साधन थे, लेकिन आप बताइए कि जनता को इन सारी चीजों के साथ साथ आम दिनों में आम कौन सी और चीजें खानी चाहिए और क्या मतलब कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो कहते थे कि कोरोना जो है वो जल्दी असर नहीं करता है या उतना ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता बेसिकली। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और क्या क्या करें, क्योंकि बहुत जगहों पर गिलोय उपलब्ध नहीं होती है। हालांकि बहुत सी ब्रांड्स हैं जिन्होंने रेडीमेड बेचना शुरू कर दिया, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं होता जितनी नेचुरल चीजें। तो जनता, जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ आप बताएं उसके लिए वो क्या कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बॉडी इम्यूनिटी एक दो दिन में डेवलप नहीं होती है, डॉक्टर अरविंद ने भी ये चीज बताई। और बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में हम अपना एक नियम बनाएं, आधा घंटा एक घंटा वॉक करें, 3 से 4 किलोमीटर वॉक करें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन करें, नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स अपना लें, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, जिसमें भी आपकी रुचि हो उसको अपना के अपना एक्सरसाइज जरूर करें। वो एक बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। उसके साथ साथ एक अच्छी डाइट, जिसमें कि हमारी बैलेंस डाइट आती है, विटामिन प्रॉपर हो, विटामिन के साथ में एडेक हमारी जो होती हैं, विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन दोनों जरूरी हैं। बॉडी में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि एक बॉडी इम्यूनिटी और डेवलप होती है, बॉडी में लड़ने की क्षमता आती है। अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज है तो एक विटामिन का कैप्सूल, एक कैल्शियम और विटामिन डी, ये सब चीजें हमारी रोज की जरूरत है, और आधा घंटा सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, यानी ये बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत आसान चीजें बताई है जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और कुछ उसमें पैसे नहीं लगाने हैं, आप घर पर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं और चौथी लहर से आप बचने की तैयारी भी अभी से कर सकते हैं। भरत, आप बताइए, क्योंकि अभी आपने कहा कि लोग जो है पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे, लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने देखा कुछ जगहों पर स्कूलों में बच्चों को एक साथ कई बच्चे संक्रमित पाए गए, जिसके बाद माँ बाप जो है वो भी डरे हुए हैं कि आखिर अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो स्कूल भेजने को लेकर फिलहाल बच्चे जाते हैं स्कूल, क्योंकि अभी तक स्कूलों पर पाबंदी एक बार फिर से नहीं लगी, लोग अभी भी स्कूल, बच्चे खुले हुए हैं स्कूल, तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स भेज पा रहे हैं बेफिक्र होकर? देखिए, कहीं ना कहीं गार्जियंस में भी, पेरेंट्स में भी खौफ तो है, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंचते, चाहे वो अभी नर्सरी की बात करें, चाहे प्ले ग्रुप की बात करें, चाहे इंटर तक के बच्चों की बात करें, स्कूल जा रहे हैं और बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे, माता पिता जो है उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ तो है कोरोना को लेकर। और अब बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों का मास्क को अनिवार्य कर दिया है। डीएम का लखनऊ में आदेश भी आ गया, जितने भी स्कूल है सब प्रोटोकॉल्स का फॉलो करवाएंगे, नियमों का पालन करवाएंगे, बच्चे मास्क पहन के एंट्री करेंगे। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन पहले करवाया जा रहा था सर्किल बनाकर, उस तरीके से फिर अब शुरुआत कर दी गई है स्कूलों में। कहीं ना कहीं अब की बीच में बात करें तो कोविड के प्रोटोकॉल का किसी भी स्कूल में फॉलो नहीं हो रहा था, जिस अब उसके बाद जब मामले स्कूलों में बच्चों के सामने निकलने लगे नोएडा और गाजियाबाद में, लेकिन उसके बाद स्कूलों ने भी, लखनऊ में भी सख्ती को बरतना शुरू कर दिया। अब लेकिन अब तो सख्त आदेश है, सारे स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करवाना पड़ेगा, मास्क बच्चों को पहनना पड़ेगा। जो बच्चे कंफ्यूज है कि छोटे बच्चे हैं, स्कूल से बैठते हैं, साथ में लंच करते हैं, टिफिन को शेयर करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क होता है, लेकिन अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि किस तरीके से बच्चों को बचाएं, क्योंकि स्कूलों को बंद करने का आदेश अभी नहीं आया और ना ही आगे उम्मीद है कि दिया जाएगा। अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है मामले को देखकर। फिलहाल अभी स्कूलों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बच्चों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। बिल्कुल, ये तो स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अरविंद जी, अभी आपने सुना यहाँ पर बच्चों को लेकर हम बात कर रहे थे कि बच्चे, क्योंकि तीसरी लहर में लगातार ये कहा जा रहा था कि बच्चों पर इसका असर होगा, अगर चौथी लहर आती है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हमने देखा गाजियाबाद में एक स्कूल में एक साथ कई बच्चे संक्रमित पाए गए, इसके बाद बच्चों पर खतरा जो है वो बढ़ जाता है, तो बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि बड़ों की इम्यूनिटी लेवल की बात करें और बच्चों की, तो मुझे लगता है कुछ डिफरेंस होता होगा, बच्चों की इम्यूनिटी को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए हमें बच्चों को मजबूत बनाए रखने के लिए और उस महामारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार करें बच्चों को? जो हमारा अनुभव रहा है बच्चों को लेकर के, तो बच्चे हमारे जो है उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी हम लोगों से ज्यादा थी,
बड़े लोगों से उनके अंदर ज्यादा थी और वो बचे रहे। उनका जो रिस्पॉन्स था इसको वायरस को लेकर के तो बहुत अच्छा रहा, उन्हें बहुत ज्यादा सिम्टम भी नहीं आए और कोई सीरियसनेस भी बच्चों में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए। जो दूसरी लहर थी हमारी बहुत खतरनाक लहर थी, उस लहर में भी बच्चे हमारे बचे रहे। और जहां तक मेरा मानना है उस दौरान भी बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा ऐसा बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे एक्सपोज न हुए हों। बच्चे पूरी तरह से एक्सपोज हुए होंगे क्योंकि वो क्लोज पेरेंट्स के काफ़ी क्लोज में रहते हैं और पेरेंट्स बाहर जाते हैं वर्किंग के लिए, अपने दूसरे जो भी काम होते हैं उसके लिए बाहर जाते हैं, तो जो भी इन्फेक्शन उस समय था हमारे एनवायरनमेंट में तो उससे कोई भी बच नहीं सकता। तो हमारे बच्चे भी उस समय नहीं बचे हैं उस इन्फेक्शन से, लेकिन उनके अंदर सिम्टम नहीं आए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो जो एक जो हर्ड इम्यूनिटी है वो उनके अंदर भी डेवलप हो गई होगी ऐसा माना जाता है। और सीरो सर्वे में ऐसा आया भी है कि कई जगह पर 90% बच्चे के अंदर जो है सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है। इसका मतलब कि 90% बच्चे इन्फेक्टेड हुए तो उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं। तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सीरियसनेस को लेकर के। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो सीरियसनेस जो गंभीरता होगी वो नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके प्रति बच्चों को जो है उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि कैसे अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि अगर सीरियसनेस नहीं भी होती है तभी जो बुखार होता है, सिम्टम्स होते हैं इस तरह के माइल्ड सिम्टम होते हैं, वो भी जो है डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को, पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको जो है बच्चों को एक इसका पालन करना सिखाया जाए कोविड प्रोटोकॉल का, और पूरा एकदम मॉनिटरिंग में रखा जाए बच्चों के स्कूल को, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का वो पूरा इस बात को ध्यान रखे कि बच्चे जो हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और जो कोविड एटिकेट्स हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको अपनाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और उनकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और उनको खुद को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और उनकी वजह से दूसरे बच्चे भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा। बिल्कुल, यानी अगर सब कुछ ठीक चलना है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, उसके बाद आप इस महामारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं और लड़ा जा सकता है इससे। और जैसा आपने कहा कि कोई सीरियसनेस नहीं होगी अरविंद जी, आई होप और मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ना हो। अनुराग जी आप बताइए, अभी लगातार अरविंद जी यही कह रहे हैं कि सीरियसनेस वाली ज़्यादा सिचुएशन नहीं होगी, जैसा हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं और यही आशा भी करते हैं कि आगे चल के ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि लगातार मामलों में हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जब आंकड़े सामने आते हैं तो वो थोड़ा सा डराते हैं। शुरुआत इसी तरह से हुई थी कोरोना की पहले भी, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि कोरोना जैसे जैसे लहरें बढ़ती गईं, पहले दूसरी अभी तीसरी के बाद चौथी, ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इसकी जो सीरियसनेस है वो कम होती जा रही है। क्या इसकी वजह वैक्सीनेशन मानते हैं आप, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान भारत में अगर हम बात करें तो बेहद तेजी के साथ चला है, क्या इसी के चलते हम कहीं ना कहीं महामारी से लड़ पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जनता ज्यादातर वैक्सीनेट हो गई है, एडल्ट ग्रुप सारे जो हैं 12 साल के ऊपर के बच्चों से लेके सब वैक्सीनेट हो रहे हैं और हो चुके हैं। वो एक हर्ड इम्यूनिटी, हमारी जो वायरस फैला शुरू में फर्स्ट और सेकंड वेव आई उसके बाद भी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करी। वायरस जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेगा, जितना ज्यादा लोगों के होते हुए जाएगा, उतनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और धीरे धीरे उसकी पावर भी कम होती जाएगी। वो अलग बात है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, अलग अलग वायरसेस अलग अलग देशों से आ रहे हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो बहुत सीवियरिटी नहीं मिली है। चाइना में भी है, इंग्लैंड में भी है, सब जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियरिटी और बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हमें देखने को नहीं मिली। वायरस जरूर ट्रांसमिट हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, सब चीजें हैं, सिम्टम है, लेकिन फिर भी वही कोमॉर्बिड कंडीशन वाले जो पेशेंट्स हैं और इस तरह के बच्चे हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं अभी तक, वो भी थोड़ा सा रिस्क में है। अब आगे बच्चों पे क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक तो बच्चे बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ, धीरे धीरे कम होता चला गया, तो वही लगता है देख के कि आने वाला समय भी बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए।
वायरस के लिए। ठीक है ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भी सीरियस ना हो, क्योंकि हम सबने बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें देखी है। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो जनता का होने वाला है, और वो ही है जो इसको इससे बचा सकती है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है इसका। भरत अभी सुन सको को उनका यही कहना है कि अगर संक्रमण रुक जाता है तो कहीं ना कहीं इससे लड़ना बहुत आसान हो जाएगा और इसकी सीरियसनेस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगी। जनता में जागरूकता फैलाने के लिए यहां से कई सार्वजनिक जगहों पर मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से क्या और भी कई नियम जो हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं मुख्यमंत्री भी टीम नाइन की बैठक लेते रहते हैं, तो क्या और भी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगहों पर कई नियम नए बन गए हैं कोरोना को लेकर। देखिए कोविड के प्रोटोकॉल्स का देखिए मेन जो है लोगों को बचाने का जो एक ही सबसे महत्वपूर्ण है वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, मास्क को पहनना और कहीं ना कहीं सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते रहना। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं अगर कोविड से लोगों को बचना है। बस लोगों की जो मेन है वो जागरूकता, लोगों को खुद जागरूक होना है, खुद को बचाना है दूसरों को बचाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। अभी रेलवे ने ट्रेनें स्टार्ट कर दी है, अभी काफी समय से ट्रेनें बंद थी, सारी जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं लखनऊ, और फ्लाइट सारी तमाम जगह की खुल गई है। खुद को बचाना सिर्फ एक तरीका है, डिस्टेंस को मेंटेन करना, हाँ जहाँ कोई टच करा वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क को हमेशा ट्रेवल यात्रा करते समय पहने रखें। जी यानी वही बात की प्रोटोकॉल का अगर पालन हुआ, नियमों का पालन हुआ तो बहुत आसान हो जाएगा। अरविंद जी रोल, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल था पहली दूसरी और तीसरी लहर में इन चीजों को और ज्यादा सीरियस होने से बचाने में, वो था डॉक्टर्स का और अस्पतालों का। क्या लगता है कि क्या अभी से, मुझे नहीं लगता कि आप को भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी तैयारी कर लें, जो प्रशासन है, शिक्षा, जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर ये भी तैयारी कर लेगा तो आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसा होता है, कोई समस्या आती है, तो हमें तैयार रहना होगा। क्योंकि जिस तरह इसको लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, या फिर वैक्सीनेशन के टाइम पर भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी, तो इन चीजों की तैयारी क्या प्रशासन को, सरकार को करनी चाहिए, इसका जवाब लेंगे अरविंद जी आपसे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, कहीं मचाएगा हमारी ये हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चौथी दस्तक और चौथी लहर को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक अरविंद जी भी लगातार। अरविंद जी, मैंने भी सवाल किया कि डॉक्टर्स और अस्पतालों का बहुत बड़ा रोल था, आपको क्या लगता है कि क्या तैयारियां इस बार पहले से अस्पतालों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंजेक्शंस थे जो बताए जा रहे थे कि ये अगर मिल जाए तो लोगों की जान बच सकती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई थी लहरों में, हमने देखा था। तो अभी इस बार क्या कुछ खास तैयारियां करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? इस समय जो सरकार के द्वारा पहले से सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी इस बार, और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, और ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा बाकायदा हर जगह लगभग इंतजाम कर लिया गया है। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, वेंटिलेटर और
अदर जो दवाएं हैं उनके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वो पूरा हर समय यही बीच बीच में उनका रिहर्सल होता रहता है कि क्या क्या तैयारियां हैं, उनको बीच बीच में परखा जाता है। तो इस संबंध में पूरी तैयारी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस बार, तो इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए किसी को भी, इस बार कोई कमी नहीं रहने वाली, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। यानी आपको लगता है कि प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। अनुराग जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? प्रशासन का बहुत बड़ा रोल था, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल था इस महामारी से निपटने में और जनता को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में। तो क्या लगता है, प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की जाती हैं, क्या वो ठीक है? क्योंकि हमने देखा था कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा जो है वो भी एक्सपोज हो गया था। हमने देखा था हमारे देश में किस तरह की सुविधाएं हैं, बहुत परेशान हुए थे लोग, लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। तो ऐसे में क्या पहले से तैयारियां इस बार करनी चाहिए और खास करनी चाहिए पहले के मुकाबले? देखिए, जो सेकेंड वेव आई इतनी घातक थी कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। तैयार तो प्राइवेट नर्सिंग होम्स तो हमेशा रहते ही हैं, सारी इमरजेंसी के टूल्स होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़े लेवल पे मरीजों का आना और इतनी सारी मोर्टेलिटी होना, इतना सीरियस होना किसी ने सोचा नहीं था। वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा और हम लोगों ने उससे बहुत कुछ सबक लिया। बिल्कुल उसके बाद जो हम लोगों ने तैयारी करी है वो वॉर लेवल पे करी है, जैसा डॉक्टर अरविंद ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट्स सब हॉस्पिटल्स में लगा दिए गए हैं। मैं ये भी बताऊं आपको कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगा दिए गए। पहले जो सिलेंडर्स यूज होते थे वो तो स्टैंड बाई पे सिलेंडर्स रखे ही हुए हैं, नहीं तो अब छोटे जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक हॉस्पिटल है, 50 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल है, उसमें अपना एक ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगवा दिया है, जिससे कि फर्दर कभी कमी ऑक्सीजन की ना हो। उसके बाद भी सिलेंडर्स रखे हैं कि अगर वो प्लांट में कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो उसको एक कवरेज देने के लिए सिलेंडर्स भी यूज हो जाए। तो ठीक मुझे है। लगता है कि आने वाले समय के लिए हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और कई ज्यादा खुल गए हैं उसके बाद से, तो मेंटली और फिजिकली भी हम लोग तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो तैयार हैं ही, लेकिन भरत अगर हम बात करें तो हम आज भी एक ऐसी खबर सामने आई थी लखनऊ से ही, जहाँ पर जो वेंटिलेटर्स आए हुए थे उनका अब तक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो ताले में बंद हैं। तो स्वास्थ्य महकमा आखिर कब जागेगा? भले ही चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं, बताया गया था कि पीएम केयर फंड की ओर से वो वेंटिलेटर्स आए थे, लेकिन ताले में बंद हैं, तो क्यों इस्तेमाल इनका नहीं हो रहा है? क्योंकि तैयारी अगर नहीं होगी पहले से तो फिर हमें और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है, अगर लखनऊ की ही हम बात कर ले, स्वास्थ्य महकमा किस तरह से तैयार है? देखिए, अगर कागजों में बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा एकदम तैयार बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप इज्जत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अपना निरीक्षण कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो हॉस्पिटल्स में हो और पेशेंट्स को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जिस तरीके की अभी आप बात करिए, 20 वेंटिलेटर की बात करिए, पीएम केयर फंड से जो आया हुआ है उसको लेकर हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहा, उन्होंने चुप्पी साध रखी, कोई भी इस तरीके का जवाब नहीं दिया। हाँ, कैमरे के पीछे उन्होंने साफ तौर पर ये जिक्र जरूर किया कि अभी स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी है, जिस कारण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन स्टाफ की कमी लोगों की जान से ज्यादा नहीं, आपको स्टाफ बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। सवाल तो आपको यही है ना कि एक तरफ लोग रोजगार के लिए परेशान, दूसरी स्टाफ की कमी आखिर क्यों है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जब 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 कोई सवाल खड़े करता है या मीडिया या केन्यू से भी सवाल खड़े किए तो साफ तौर पर जो जिम्मेदार है वो चुप्पी साध देते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम लगातार हॉस्पिटल्स के निरीक्षण कर रहे हैं और वेंटिलेटर को तमाम व्यवस्थाओं को और मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पर हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट जारी कर दिया है कि जो कोरोना से लड़ने के लिए तमाम जो इंतजाम है उसको किया जाए। अब इंतजाम करने का जो काम है और तेजी से हो गया, चाहे वो बच्चों के रूम्स की बात की जाए, पीको रूम्स की बात की जाए, कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो उनको भी तत्काल हॉस्पिटल्स में जगह मिल जाए। और प्रयास लगातार यही है प्रदेश सरकार का कि कोई दिक्कतें सामने ना आए, या अगर कोरोना की चौथी लहर या मामले जो कोरोना के उसमें इजाफा होता है तो। लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, जो रोटी सेक रहे हैं, उन पर अभी गाज जब तक नहीं गिरेगी, अधिकारियों पर सरकार एक्शन नहीं लेगी, तो ऐसे में लगातार जो मामले लगातार सामने प्रयास जो है वो सामने आते रहेंगे। लोकबंदी हॉस्पिटल की बात करें, लोकबंदी हॉस्पिटल में इतनी असुविधाएं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती थी पेशेंट्स को, तब किसी ने ट्वीट किया उनको, ब्रजेश पाठक जी से पूछा तो ब्रजेश पाठक जी ने ट्वीट करके तुरंत कहा कि अगर कोई भी ऐसी कमी सामने आई जाएगी, सामने पाई जाएगी, तो लोकबंधु अस्पताल में भी
तुरंत एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब स्वास्थ्य महकमे को सुधार करने के लिए सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी कमर कस ली और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग लापरवाह हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी भी लोगों में खौफ कम है। जी बिल्कुल, यानी खौफ जो है वो अभी भी कम है, इसी के चलते जो है वो प्रॉब्लम्स फिर सामने आती हैं और फिर बाद में जनता को ही भुगतना भी पड़ता है। अरविंद जी आप बताइए, हम देखते हैं जनता जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है, वो ही इससे अफेक्टेड भी होती है, लेकिन रोल भी मुझे लगता है सबसे बड़ा जनता का ही होता है। हमने देखा था जब पहली दूसरी लहरों में जब लॉकडाउन लगाया गया, बावजूद इसके जनता उस वक्त को एक तरफ सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन बाहर निकलना लोगों को बंद नहीं हो पाया था, कई बार कुछ लोग ऐसे भी निकल रहे थे, लेकिन लगातार जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया लोगों की लापरवाही जो है वो भी बढ़ती गई है, और हम सब जानते हैं कि अभी फिलहाल लोगों ने मास्क को बिल्कुल उतार दिया है, लेकिन क्या अब ये वक्त आ चुका है जब लोगों को एक बार फिर से मास्क पहन लेना शुरू कर देना चाहिए, कैसे अपनी आदत में डाल लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में एटमोसफेयर में रहते हैं, जो पर्यावरण जितना हमारा दूषित हो चुका है, तो ऐसे में क्या मास्क हम सबके लिए हमेशा के लिए जरूरी हो गया है? मास्क लगाए तो अच्छा है, ऐसा उनको एक जो जागरूकता अभियान है वो जो है चला के रखना चाहिए, जगह जगह जो पोस्टर्स हैं वो लगा के रखने चाहिए, जहाँ भी ये लोग जाएं उनका वहाँ पर वो निगाह पड़े कि इसमें पोस्टर में वो सब लिखें बातें, ये सारी जो जागरूकता की हैं, इसको इस मास्क से किन किन बीमारियों का बचाव हो सकता है, हमें क्या क्या फायदे हैं मास्क लगाने से, मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें उसके क्या क्या नुकसान हैं, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो जगह जगह लगे रहने चाहिए, और जैसे कि लगाए भी गए हैं, अगर कहीं पर ऐसा अगर ज़्यादा जहाँ पर है तो वहाँ पर इस तरह के पोस्टर्स और लगाए जाएं, जिससे कि लोग सेंसिटाइज रहें, संवेदनशील रहें इस मुद्दे के प्रति और मास्क लगा के रहें, क्योंकि जबरदस्ती तो बहुत ज़्यादा किसी के साथ की नहीं जा सकती, उनको बता के समझाया जा सकता है, और बता करके समझाएंगे तो उनको एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका पालन करने लगे, उनके डे टू डे रूटीन में ये सब आ जाए, अगर उनकी बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर फोर्सफुल्ली अगर हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट तो ये मुश्किल है, फोर्सफुल्ली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्सफुल्ली इम्प्लीमेंट करना ये न तो सरकार के बस की बात है और न ही लोगों को अपना ही सकते हैं, तो ये सेल्फ होना चाहिए इसको। ठीक है, यानी जनता को खुद पे खुद समझना होगा कि हमें इस तरह से चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम इससे बच पाएंगे। लेकिन अनुराग जी आप बताइए, आप भी देखते हैं कि ना तो जो विदेशी फ्लाइट्स हैं उन पर कोई रोक है, ना तो कोई किसी भी तरह की कोई रोक फिलहाल नज़र नहीं आती है, और हमने देखा था स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा प्रतिबंध जो है वो लगाए जाने शुरू हो गए थे, लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाते थे, तो ऐसे में क्या फिर से, क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं जिनकी ओर से आगाह किया गया है कि ये चौथी लहर की शुरुआत है, भले ही अभी हम ग्राउंड की रिपोर्ट को देखकर ये बात नहीं कह रहे हैं, अभी हम अंदेशा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन संस्थानों ने इसके पहले भी जो बातें कही हैं वो सही निकली हैं, इसके चलते हम सबको आज इस टॉपिक पर डिबेट करनी पड़ रही है। क्या लगता है कि क्या कुछ मतलब होना चाहिए, आपको क्या लगता है अनुराग जी, किस तरह से हम चौथी लहर से पहले ही तैयार हो जाएं? देखिए, जिस तरह से आपने अभी कहा कि कुछ पब्लिक प्लेसेस में पहले जैसी स्ट्रिक्टनेस नहीं रही, अभी मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरा अभी मुंबई जाना हुआ और कानपुर टू मुंबई जाना हुआ, जहाँ पे पहुँचते ही पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमसे देखा गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा गया, टेम्परेचर और वो सब तो एक नॉर्मल रूटीन बन गया है, वो भी देखा गया, और वो चीजें नहीं थी। फिर फ्लाइट में हो गया, मास्क कंपल्शन था, मास्क फ्लाइट में कंपल्सरी करके उन्होंने बैठने दिया, बिना मास्क जिसके पास मास्क नहीं था उन्होंने मास्क अपनी तरफ से ला के दिया, मुंबई एयरपोर्ट पे जाके फिर वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग से लेके वो चेक हुआ, उसके बाद वहाँ भी उन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमारा देखा कि फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका अगर कंप्लीट नहीं है तो हम आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट करेंगे। फिर इत्तेफाक से जब हमारा मुंबई से वापस लौटना हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पे प्रॉपर चेकिंग और स्क्रीनिंग हुई, लेकिन इत्तेफाक से कानपुर फ्लाइट ना आते हुए गोरखपुर चली गई, गोरखपुर में हमें 3 घंटे का हॉल्ट मिला, और जब हमने दोबारा फ्लाइट को बोर्ड किया तो वहां पे एंटीजन हर पैसेंजर का हुआ और सबकी निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में फ्लाइट पे बोर्ड करने दिया गया। तो ऐसा नहीं है, अभी सब चीजें प्रोसेस में है, चल रही है, वो बात अलग है कि वो सीवियरिटी को देखते हुए थोड़ी सी इंटेंसिटी उस चीज की कम हुई है,
नहीं तो ऑन द साइट करा लेते थे आरटीपीसीआर और सब चीजें, लेकिन वो बहुत डाइल्यूट नहीं हुई है चीजें अभी, हमें लगता है कंटिन्यूएशन में, और ऐसे ही अगर चलेंगी तो हम प्रॉपर बचाव कर सकेंगे। अगर फर्दर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है वायरस और बहुत ज्यादा आ रहा है, तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है ठीक है। भरत भरत आप बताइए, क्योंकि फिलहाल अभी जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी कई जगहों पर हो रही हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि कई जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से पालन जो है वो होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बिल्कुल भूल चुके हैं लोग, हम उनको जगाने के लिए ही आज इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आए हैं जनता के लिए। भरत आप बताइए, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है, शादियों पर भी मेहमानों की एंट्री पर, मेहमानों की संख्या पर बहुत सारे प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, लेकिन क्या इस बार भी कुछ ऐसा है? और नहीं है तो क्या शादियों में जो लोग पहुंचते हैं, हालांकि हमने देखा है कि बहुत से लोग मास्क नहीं पहने होते हैं, क्या यहां पर भी अब सरकार एक बार फिर से कोई अहम कदम उठा सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ तो उसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाकर एक लिमिटेड लोगों को बोल दिया था कि 20 से 30 लोग भी शामिल होंगे शादी में, और तमाम जो पाबंदियां थी वो लगा दी गई थी। लेकिन कोरोना के मामलों में जैसे जैसे कमी आई सरकार ने छूट देना शुरू कर दिया। अब की बात करें, सालों का सीजन चल रहा है लेकिन बरातों में फिर रौनक लौट आई है, कह सकते हैं कोरोना जा चुका है, रौनक लौट आई है। लेकिन ये ही कहीं ना कहीं जो लापरवाही, ये कहीं ना कहीं जो कमी है, आगे खतरनाक ना साबित हो जाए, इसका भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से पहले जैसे ही गेस्ट हाउस में लोग जाते थे, बकायदा लोगों की एंट्री होती थी, थर्मल स्कैनिंग होती थी, उन लोगों को मास्क दिया जाता था, और बारात में भी कुछ लोग देखे जाते थे 20 से 25 लोग, वो भी मास्क पहनते थे। लेकिन अब अगर बात करें, अब लोगों के जो चेहरे से मास्क नदारत है, अब जैसे जैसे मामले बढ़ते रहेंगे लोगों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो लॉकडाउन जैसी समस्याओं का भी अगर ज्यादा मामले बढ़ते हैं तब करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसी समस्याओं में लोग स्वयं नहीं जाना चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, दिक्कतें आगे ना आए, तो उनको खुद जिम्मेदार होकर खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि किस तरीके से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर वो बारातों में भी जा रहे हैं तो वहां पर जितना दूरी हो सके मेंटेन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग साथ मास्क को भी पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना के मामले कम जरूर हो गए हैं, गिरावट जरूर आई है, लेकिन बढ़ोतरी भी शुरू हो गई है, साथ ही साथ कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये लोगों को दिमाग में जरूर रखना चाहिए। ठीक है ठीक है। लेकिन भरत बताया जा रहा है कि आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक भी किया है, उसकी क्या सच्चाई थी वो भी हमें बताइए, और लोग अगर मास्क नहीं पहने हुए नजर आए तो उनसे जब आपने वजह पूछी तो क्या वजह अधिकतर लोग बता रहे थे, क्या कारण है कि आखिर लोग इस तरह के नियम नहीं पालन कर रहे हैं, बताइए। देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो बहाने हैं वो सुनने को मिले कि कोरोना जा चुका है, नहीं है कोरोना, मास्क मेरा गिर गया है, मास्क मेरा टूट गया है, अभी हम खाना खा रहे थे, कुछ लोगों ने जवाब दिया हम न्यूज नहीं देखते हैं, मतलब न्यूज से उनको कोरोना के बारे में पता चलता है तो हम न्यूज नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो बहाने थे उनके चेहरे पर थे। जब क्वेश्चन किया गया, जब माइक लेके गए जिम्मेदार जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी लोगों को जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उनको कहें कि कोरोना के मास्क प्रोटोकॉल का फॉलो करें, वो खुद कोरोना के प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई, चाहे वो बस स्टेशन की बात हो जाए, चाहे अडानी एयरपोर्ट लखनऊ की बात की जाए, जहां पे डिपार्चर है, जहां पे गेट है, वहां पे जो लंबी लंबी कतारें लगी है, वहां पर भी लोग मास्क नहीं पहने थे। अगर एक मास्क अनिवार्य कर दे, जो वहां पे सीआईएसएफ के जवान है उनको बोला जाए कि आप मास्क जो लोग पहने हैं उन्हीं को अंदर एंट्री मिले, तब हो सकता है कुछ ना कुछ राहत मिले। लेकिन बिना मास्क के, चाहे वो स्टेशन की बात करें, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे वो बस स्टेशन, चाहे वो एयरपोर्ट में, तमाम तीनों जगह के रियलिटी चेक में पाया गया सभी जो जिम्मेदार है वो फेल है, कोई भी कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करवा रहा है। जी यानी कोई भी प्रोटोकॉल जो है वो कई जगहों पर जो आम लोग हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हालांकि बहुत से लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और उन लोगों से सीखना चाहिए कि हम सबको नियमों का पालन करना है, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, हमारी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। अब हम चौथी दस्तक को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। अरविंद जी से उस पर हम जानते हैं। अरविंद जी, आप भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जिनके मन में बहुत से भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर। एक है वर्ग ऐसा, अभी भी कुछ लोग बाकी रह गए, हालांकि प्रशासन जो है वो लगातार उन्हें चिन्हित करने की और वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम अपने मन में पाल रखा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है और उनको ये बताना चाहिए कि इतने सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, इतने सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं, जिसको के लेकर के उनके अंदर डर रहता है कि वैक्सीन लगवाने से ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्चुअली जब डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो कई जगह से अलग अलग तरह की खबरें सामने आई कि लोगों को ये दिक्कत हो रही है, बहुत सी फेक न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, तो इसी के चलते लोगों में डर आ गया और फिर उन्होंने वैक्सीनेशन से कन्नी काटी। जी, तो जैसे ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं या जहाँ भी वर्किंग प्लेस है उन लोगों का, तो वहाँ पर इन लोगों को समझाना चाहिए कि वैक्सीन लगवा लीजिए और इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान ना के बराबर हैं कोई तो, और इससे आप भी सेफ रहेंगे, आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे और साथ में जो है आपके देश के लोग भी सेफ रहेंगे वैक्सीन लगवाने से। तो इन लोगों को समझाना चाहिए, समझा करके और उनको जो है वैक्सीनेट कराना चाहिए, और ये काम काफ़ी हद तक किया भी जा रहा है, जागरूकता अभियान बराबर जो है चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। तो लेकिन ये है, कुछ लोग काफ़ी उनको समझ में नहीं आता है, तो बस हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको समझाएं और उनको वैक्सीनेट कराएं, वही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ तक हो मैक्सिमम लोग जो है वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो यही हम सब के लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इस तरह की चीजें जो है वो करनी होंगी, इन सबको समझाना होगा। अनुराग जी, आप बताइए, एक तरफ तो वैक्सीनेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, सबको जागरूक करना होगा, सबको समझाना होगा, लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगभग 90% से ज्यादा लोग, 99% के लोग लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं, लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि बच्चे जो हमारे हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों का तो वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना, तो हमने ये भी देखा है कि 5 महीने की बच्ची को भी कोरोना हुआ है, तो इन बच्चों को, इस एज ग्रुप के लोगों को हम कैसे बचाएंगे, इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या सरकार को इन बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन, इस वर्ग के लिए भी, एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशन, कोई वैक्सीन लानी चाहिए? जी, मुझे लगता है सरकार ने इसको सोचते हुए परमिशन अलाउ करने की एक वो बनाई है, तो बहुत जल्दी ही ये सब चीजें अप्रूव होने वाली है, तो बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, 3 से 12 साल तक के बच्चों को। तो अगर बच्चे वैक्सीनेट होते हैं तो हमारे लिए बहुत और भी अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों में हर वैक्सीन जो है वो 1 से लेकर 4 साल तक ज़्यादातर सब तरह की वैक्सीनेशन हम लोग पहले भी लगाते हैं, अगर ये वैक्सीन इंक्लूड हो जाएगी तो जितने बच्चे हैं उनके लिए भी एक कंपल्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों के लिए भी जो है वो वैक्सीनेशन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। भरत, आप बताइए, क्या जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं फिलहाल अस्पताल में, उन लोगों को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बच्चे लगातार स्कूल जाते हैं, बच्चे चाहे किसी भी ग्रुप के हों, लाइक जो भी 15 साल से छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों में भी खतरे की बात लगातार कही जा रही थी, क्या पेरेंट्स इन बच्चों को संभालते हुए नजर आते हैं, क्या उन्हें भी मास्क पहनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जागरूकता अभियान भी लगातार चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, स्कूल के बाहर अगर बात करें, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजते हैं, तमाम तरीके की जो भी प्रिकॉशंस हैं बच्चों को दिलवाते हैं कि स्कूल के अंदर किस तरीके से फॉलो करवाया जाता है इन रूल को, वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि 4 से 5 घंटा 8 घंटा जो बच्चे हैं वो अपना समय स्कूल में देते हैं। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स को बच्चों का फॉलो करवाए, जिस तरीके से पहले 1 सीट में 3-3-4-4 बच्चे बैठे थे, कोरोना आने के बाद 1 सीट में 1 बच्चा हुआ, डिस्टेंस मेंटेन करने लग गया बच्चे,
वो बहुत मायने रखता है कि स्कूल में किस तरीके से बच्चों को डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा है और जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से उनको तैयारी करके स्कूल भेज रहे हैं। अभी आपने सवाल किया था कि ग्रामीण जो वैक्सीन से लोग बच रहे हैं, लखनऊ में के न्यूज की टीम ने जब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर बात करी, गांव जाकर लोगों से बात करी, तो बहुत से लोग बहुत बहाने बता रहे थे कि नहीं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती, तमाम तरीके के जो बहाने वो उनको बता रहे थे। के न्यूज की टीम ने बहुत समझाने का प्रयास किया, कुछ लोग तो राजी हुए लेकिन बहुत से लोगों में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है कि वहां पर भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि वहां पर लोग पहुंचे, वहां के जो आशा बहु होते हैं वो पहुंचे, जो लोगों को जागरूक करें, ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है अगर कोरोना के हमको खत्म करना है या चौथी लहर से हमको बचना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग जी आप बताइए, क्योंकि कहा जाता है कि कोरोना कभी खत्म नहीं हो सकता, ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही ये कम फैला, ये लकीली ऐसा हुआ कि ये फैला नहीं, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी जागरूकता भी नहीं हो पाई इसी के चलते, लेकिन अगर एक बार इसका इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फैलने लगता है तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र इससे बचे रह पाएंगे, तो इन लोगों को जागरूक इन कैसे किया जाए, इन लोगों को किस तरह से इसके बारे में समझाया जाए कि ये लोग भी जागरूक हों और महामारी से लड़ने में हमें मदद मिल सके। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे मरीज गांव देहात से आते हैं जो वैक्सीनेशन से डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारी जनसंपर्क अभियान है जो हमारी सरकार चलाती है, उनके द्वारा बहुत से लोगों को अवेयरनेस डेवलप करी गई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेट करा भी लिया है। कुछ लोगों में अभी भी वो डर है कि वैक्सीनेट कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई सिम्टम आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डर जब हमारे पास मरीज आता है तो हम कोशिश करके उसको 5 से 10 मिनट 15 मिनट काउंसलिंग करके निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें से 90% पेशेंट ऐसे हैं जो उस बात को मानते हुए कभी ना कभी वैक्सीनेट करा लेते हैं। ऐसा हमने बहुत कॉमनली देखा है कि जो पेशेंट एक बार आया वैक्सीनेटेड नहीं है और वो अगली बार आया तो हम लोगों के कहने पे उसने वैक्सीनेट अपने पूरे घर को और अगल बगल के लोगों को करवाया। बिल्कुल, यानी लोग भी कहना मानते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग डॉक्टर्स का कहना माने, आप सबका कहना माने और जागरूक रहें और इस महामारी से लड़ने में हम सबकी मदद हो सके। और जैसा कि अरविंद जी लगातार कह रहे थे कि इस चौथी लहर नहीं होगी, ये सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो, उनका कहना बिल्कुल ठीक निकले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम सबके साथ पे शेयर करने के लिए। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात कर रहे थे चौथी दस्तक को लेकर, जिसकी आहट सुनाई दे रही है, हालांकि उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो, महामारी एक बार फिर से अपना प्रकोप न ढहाए। और फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया, मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्लीवासी इसका लाभ उठाए, आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013-585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी।